हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि का आज पहला दिन है, ये जो मेरा ब्लॉग है फर्स्ट डे का है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब फास्ट भी होंगे, लेकिन मैं फास्ट नहीं हूँ क्योंकि मुझे 7 टैबलेट डेली खाना है। तबियत मतलब मेरा बीच में जो खराब था ना, तो 20 डेज का पूरा दवाई दिए, इसके बाद फिर डॉक्टर से मिलना है। तो मुझे 7 टैबलेट डेली खाना होता है, रात तक मिला करके 4 सुबह, फिर इसके बाद दोपहर का, फिर शाम का, एक रात का, इस टाइप से। तो टोटल 7 टैबलेट खाना होता है। तो मैं कोई फास्ट नहीं हूँ, और मैं रहूंगी भी ना तो मेरे हस्बैंड मेरे से पहले जल्दी भड़क जाएंगे। और रही बात, मेरे हस्बैंड 9 दिन का फास्ट है। तो अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। मशीन चल रहा है, उसका थोड़ा थोड़ा साउंड आएगा, इग्नोर कीजिएगा। और अच्छे से मैं हेयर ऑयलिंग की हुई हूँ, हेयर वॉश करूंगी। भगवान जी का कपड़ा उपड़ा पहले से ही वॉश करके रखी हूँ, बस नहा के अच्छे से भगवान जी को जमाऊंगी और दिया वगैरह जलाऊंगी। घर पर मैं कलश स्थापना नहीं की हूँ, कलश स्थापना में की थी पूना में, लेकिन मैं यहाँ नहीं की हूँ क्योंकि उतना स्पेस नहीं है। और स्थापना करने के बाद बहुत ज्यादा केयर करना होता है, तो मेरे पास उतना स्पेस नहीं है। फिर एक अलग से इंतजाम करने से अच्छा कि मैं रखूं ही ना। और उसके बाद अपन कहीं ना कहीं निकल भी जाते हैं डेली का डेली घूमने का। जैसे गणेश पूजा में तो तबियत खराब हो गया करके नहीं निकले, लेकिन अभी नवरात्रि में निकलेंगे ही कहीं ना कहीं, क्योंकि यही तो टाइम होता है घूमने का। और मंदिर में जोत जल रहा है फ्रेंड्स, आज अगर अपन मंदिर गए जोत जलाने, तो वो मैं ब्लॉग आप लोग के साथ जरूर क्लिप शूट करके शेयर कर दूंगी। तो मंदिर में जोत जलता है, मंदिर में ही लास्ट टाइम अपन अष्टमी के दिन हवन होता है, तो उसमें भी शामिल हो जाते हैं। और रही बात नौ कन्या, तो वो बच्चे मुझे मिलते नहीं है, तो वो भी मैं मंदिर में ही पैसे दे देती हूँ नौ कन्या के लिए। तो देखते हैं इस बार कैसे क्या करेंगे, अगर कुछ नया किए तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अदरवाइज मैं घर में नौ कन्या को बच्चों को नहीं खिलाती, क्योंकि मैं जा नहीं सकती इधर उधर बुलाने के लिए, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ज्यादातर मैं अपने घर के अंदर ही रहती हूँ, मेरा ऐसा नेचर भी है, मुझे ज्यादातर घर के अंदर ही अच्छा लगता है। बहुत होगा तो मैं अपनी सिस्टर के घर जाऊंगी, नहीं तो अभी तो गाड़ी नहीं रहने के कारण फ्रेंड के घर भी नहीं जा पाती। पास में है मेरी फ्रेंड, फोन में बस बात हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा। हस्बैंड निकल गए हैं, दूध पिए हैं, दूध पी के फिर वो रायपुर चले गए, उनका 9 दिन का फास्ट है। अभी मैं दूध थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर मैं घर में दही जमा दूंगी। और अब मैं जा रही हूँ घर का झाड़ू और पोछा करना। सारा चीज अच्छे से मतलब जमा हुआ है, रात को ही जमा दी थी, लेकिन झाड़ू पोछा करना है। सोची थी सुबह जल्दी उठ के करूंगी, लेकिन मेडिसिन की वजह से ना उठ करके भी डबल तिबल सोए जा रही। सो फ्रेंड्स, बेड वगैरह अच्छे से मैं क्लीन कर ली हूँ, जो भी ब्लैंकेट वैंकेट था सब फोल्ड करके रख दी हूँ। अब जगह जगह से अच्छे से मैं झाड़ू को लगा ले रही हूँ, अच्छे से जितना हो सकता है डेली मैं अच्छे से ही लगाने का कोशिश करती हूँ, जिससे कि थोड़ा भी डस्ट इधर उधर ना रहे। और अब मेरे सर का भी यानी कि हेयर है ना, वो भी गिरता ही रहता है, मैं कितना भी हटाती हूँ ना तब भी गिरता है, इधर उधर मुझे दिखता है, तो मैं उसको भी चुन चुन के सफाई करते रहती हूँ। और जितना हो सकता है झाड़ू को अंदर बैठ के अंदर डाल डाल के हर तरफ से निकालने का कोशिश करती हूँ। थोड़ा बहुत दिखता है, जो भी कि सफाई हो सकता है वो मैं करते चले जाती हूँ। मतलब मेरे को एकदम से टाइल्स क्लीन रहता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं जब तक संतुष्ट ना हूँ उतना मैं कोशिश पूरा करती हूँ सफाई करने का। टाइल्स का जो साइड का जो बॉर्डर उडर होता है वो ऑलवेज क्लीन रहता है, कभी भी एक भी डस्ट नहीं रहता, क्योंकि मैं डेली पोछते रहती हूँ। रीजन ये है, ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे डस्ट नहीं आता है, बहुत डस्ट आता है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं क्लोज भी रखती हूँ डोर, विंडो क्लोज भी रखती हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ यही शेयर कर दी, क्योंकि बीच बीच में तो कुछ लोग पसंद करते ही हैं, कुछ लोग क्या पसंद करते ही हैं लगभग लोग, तो मैं ऐसे क्लीन करती हूँ। तो आज मैं क्लीन कर रही हूँ, नवरात्रि का फर्स्ट डे है। जितना जल्दी सोची थी उतना जल्दी नहीं हो पाया, हस्बैंड चले गए हैं पूजा उजा करके, वो गए हैं, और शाम को हम लोग आज मंदिर भी जाएंगे। तो मैं बस सारा कुछ तो क्लीन था बस, लेकिन झाड़ू पोछा अच्छे से, ये देखिए जो विंडो है ना, विंडो के ऊपर भी ऐसे ऐसे झाड़ू डेली ही चलाती हूँ, क्योंकि विंडो का जितना भी रेलिंग है ना उसके ऊपर भी डस्ट आ जाता है। तो थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ तो क्या होता है, कुछ डस्ट फटाफट साफ हो जाता है, क्योंकि इतना भी समय नहीं है कि मैं अलग से ना रेलिंग को पोछते रहूं। फिर इसके बाद मैं टेबल को भी साथ साथ में पोछ दे रही हूँ, झाड़ू लगाने के बाद ही पोछती हूँ, क्योंकि जब भी झाड़ू लगा के देखो ना ध्यान से, तो ग्लास के ऊपर डस्ट आया रहता है। तो झाड़ू लगाने के बाद ही जो भी थोड़ा बहुत पोछने का, यानी कि ये वाला जो प्लांट है इसकी पत्तियां ये सब, मतलब
पोसते रहती हूँ, एक दिन दो दिन के गैप गैप में पोसते रहती हूँ। तो साथ साथ में ये भी काम कर ले रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी कर दे रही हूँ। आई होप कि आप लोग को मेरा ये भी ब्लॉग पसंद आएगा। जो मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, जो मैं करती हूँ, वो मैं आप लोग के साथ अपने ब्लॉगिंग लाइफ स्टाइल में शेयर कर देती हूँ। मे बी आप लोग सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही आगे भी मेरा ब्लॉग देखेंगे। प्लीज फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने के लिए। पूरा दिन भर ट्राइपॉड और कैमरा को सेट करके वीडियो शूट करना होता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सपोर्ट कीजिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग के सपोर्ट से हो सकता है कुछ अच्छे खासे व्यू आ जाएं और मैं भी आगे चले जाऊं। तो बस पसंद है तो मैं कर रही हूँ इसी होप में कि मुझे पसंद है। रही बात आगे और पीछे, ये तो बात की बात है, बट मुझे ब्लॉगिंग करना पसंद है तो मैं कर रही। इसके बाद पूरा सीढ़ी भी क्लीनिंग कर ली हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद वॉशरूम के पास जो वॉशिंग मशीन है वहां पर भी थोड़ा झुक झुक के करना पड़ता है सीढ़ी के अंदर उन्दर, तो वो सब भी अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। जितना हो सकता है सामान मैं उतना रखती नहीं हूँ क्योंकि डेली पॉसिबल नहीं है हर सामान को उठा उठा के साफ सफाई करना। अच्छे से झाड़ू वगैरह करने के बाद घर के अंदर भी फ्रेंड्स मैं पोछा लगा ली हूँ। इसके बाद सीढ़ी में सबसे ऊपर में पोछा लगाई हूँ, इसके बाद नीचे साइड में लगा रही हूँ और साथ में एक हाथ में गीला कपड़ा ली हुई हूँ, उसी से सारे रेलिंग को भी ना पोछ दे रही हूँ क्योंकि रेलिंग पर भी ना डस्ट आ जाता है और कॉलिन लेकर पोछना इतना पॉसिबल नहीं है रेलिंग को, तो मैं एक गीला कपड़ा करके उसी से पोछ देती हूँ। डस्ट हट जाता है ना तो स्टील अच्छे से चमकते रहता है। तो सारे जगह पे झाड़ू पोछा हो गया है। इसके बाद लास्ट काम मेरा होता है, जो भी हम लोग घर पर स्लीपर यूज करते हैं मैं मेरे हस्बैंड का, उसको मैं अच्छे से वॉश करती हूँ और जो बाहर पहनकर भी स्लीपर जाते हैं वॉशेबल वाला, उन सबको भी वॉश करके एक जगह यहाँ पे रख देती हूँ। जब पैर में स्लीपर पहनो और उस पर एक बूंद भी डस्ट नहीं रहता है ना, तो मेरी ये भी पसंद है, मुझे ये भी अच्छा लगता है। तो फिर सारा कुछ मैं ऐसे करके नहाने से पहले ये सब भी काम कर लेती हूँ। और ये जो साइड का टाइल्स विल्स भी दिख रहा है ना, ये सबकी बारी आती है फ्रेंड्स, एक ही दिन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ कुछ आधा कुछ कल ऐसे ऐसे करती हूँ। तो सारे स्लीपर वगैरह को वॉश करी हूँ बेसिंग में वॉश की। इसके बाद बेसिंग में थोड़ा सा वही हैंड वॉश लेकर डाली हूँ और जो ब्रश होता है ना साफ करने वाला बेसिंग को, उसी से नल को और अच्छे से बेसिंग को क्लीन कर दियो। इसके बाद ना दिन भर बेसिंग व्हाइट रहेगा, एकदम साफ सुथरा रहेगा क्योंकि कोई यूज नहीं करेगा और अभी तो मैं वॉश कर ही दी हूँ। और मैं अंदर वाला जो वॉशरूम है ना उसको ज्यादा यूज करती हूँ, हस्बैंड मेरे बाहर वाला वॉशरूम को यूज करते हैं। थोड़ा बहुत जो भी पानी गिर गया अभी सिंक को साफ की, तो एक राउंड फिर से यहाँ पे मैं पोछा लगा दे रही हूँ जिससे कि जो भी पानी गिरा है ना वो अच्छे से साफ हो जाए। फ्रेंड्स, जस्ट अभी नहा करके आई हूँ, अभी भगवान जी का रैक को ठीक कर रही हूँ। लाइट मेरे घर गोल है काफी देर से और बहुत देर हो भी गया मुझे काम करते करते, बाहर का सीढ़ी वगैरह साफ करते करते चल दी बाहर वाले वॉशरूम में। तो बाहर वाला वॉशरूम पूरा टाइल्स वेल्स ब्रश रखने वाला और जो भी है शैम्पू वगैरह वाला स्टैंड, शैम्पू का बॉटल वगैरह, कंडीशनर और जो भी है एरियल सर्फ वगैरह, वो सब कुछ को अच्छे से वॉश करी, नल वॉल अच्छे से धोई, टाइल्स धोई, फिर नीचे का फ्लोर पूरा टाइल्स अच्छे से रगड़ के धोई। तो वो सब आपके साथ शेयर नहीं किया आप लोग के साथ क्योंकि वॉशरूम का क्लीनिंग करी तो नहीं शेयर करी। और इसके बाद हेयर वॉश करके फिर नहाई, तो काफी ज्यादा ना टाइम हो गया और बहुत देर से लाइट गोल है। तो देखिए अंदर में अंधेरा है, ये अभी मैं किचन में खड़ी हूँ तो किचन की खिड़की से रोशनी आ रही है तो थोड़ा सा मतलब दिख रहा है सही से, तो काफी देर से लाइट ऑफ है, तो लाइट ऑफ में वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पाता है। तो बस मैं नहा ली हूँ, भगवान जी को जमा रही हूँ, नया कपड़ा उपड़ा बिछा रही हूँ। इसके बाद मैं अपने लिए बनाऊंगी रोटी और सब्जी, तो बना हुआ है पनीर का सब्जी है फ्रिज में, बस उसको गर्म कर लूंगी। गर्मी भी बहुत लग रही है और हेयर वॉश की हूँ तो ये देखिए ये रखी हुई हूँ टॉवेल, तो इससे मतलब कपड़ा ना गीला हो, पोंछ ली हूँ लेकिन फिर भी गीला गीला है। और ये हेडफोन लगाई थी क्योंकि बुआ से कॉल पे बात कर रही थी थोड़ा सा ही, अभी जस्ट ही कॉल आया, बुआ भी बिजी है। तो बस, तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिएगा, जो हो पाएगा वो मैं शेयर करूंगी। लाइट आ जाए एक बार क्योंकि लाइट गोल है ना तो बहुत अनइजी सा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। फ्रेंड्स, नहाने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा का मंदिर साफ करने के लिए और आज लाइट भी बीच बीच में गोल होते ही रहा है,
तो बस ऐसे सारे भगवान जी की मूर्तियां, कपड़े सब कुछ हटाकर एक साफ कपड़े से कॉलिन डाल के पोछी, लेकिन कॉलिन डाल के पोछने से ना साफ नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर की साइड में ना, लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ऊपर की साइड में काजल जैसा ना काला काला लगा हुआ था, जो कि कॉलिन डालने के बाद खाली इधर से उधर फैल रहा था, बट अच्छे से साफ नहीं हो रहा था। तो मैं एक नया स्कॉच लेकर और साबुन लगाकर, जो बर्तन धोने वाला होता है ना साबुन, वो नया लेकर दोनों लगाकर अच्छे से रगड़ दी, रगड़ के गीला कपड़ा कर करके अच्छे से पोंछ दी। देखिए पानी का कलर कैसा हो गया। तो अभी फिर से साफ पानी लाऊंगी, फिर गार गार के अच्छे से पोंछ दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ टाइम के बाद का ये क्लिप है। अच्छे से पूरा पोंछ दी, नीचे येलो कलर का कपड़ा बिछा दी, इसके बाद ऊपर की साइड पर भी येलो कलर का कपड़ा बिछाई हूँ। कपड़े को बिछाने से पहले मुझे इस साइज के अकॉर्डिंग ना कटिंग भी करना पड़ता है। पहले से रेड वाला बिछा था तो वो कटिंग किया हुआ था, ये अभी जस्ट मैं नाप करके कटिंग भी की हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ ऑलरेडी, क्योंकि आज का ब्लॉग ना थोड़ा सा लॉन्ग होते जा रहा है। प्लीज फ्रेंड्स, पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। आपके पूरा ब्लॉग देखने से ही मेरे वीडियो को वॉच टाइम अच्छे से मिलेगा, तो प्लीज पूरा देखिएगा। तो बस इसके बाद मैं अच्छे से जमा दे रही हूँ और लाइन से सारे भगवान जी को रख दे रही हूँ अच्छे से, कपड़ा वगैरह मतलब उनको चुन्नी पहना के, माला वगैरह लगा करके। और लास्ट में मैं बता भी दूंगी क्या कैसे मैं रखती हूँ और कितने भगवान जी हैं, वो भी मैं बता दूंगी। तो कुछ यही मेरा छोटा सा मंदिर है जिसको क्लीन करके अच्छे से जमा दी हूँ, और पितर पक्ष में तो सफाई कर नहीं सकती थी, इसीलिए आज कर रही हूँ फ्रेंड्स, नवरात्रि के फर्स्ट डे पे ही। फिर आगे दिवाली की क्लीनिंग फिर से करूंगी अगेन, क्योंकि इसी मंथ दिवाली भी है, तो सारे भगवान जी को अच्छे से यहीं पे मैं जमा दी हूँ फ्रेंड्स। करने में मुझे बहुत बहुत समय लगा है, अभी भी मेरा मशीन में कपड़ा धुल रहा है। और दिखाऊं आप लोगों को क्या काम बचा है करने के लिए, ये देखिए दिख रहा है, बाल्टी, बाल्टी के अंदर व्हाइट व्हाइट डॉट्स सबसे नीचे में, ये है और ये है मग्गा, मग्गे में भी ऐसी व्हाइट व्हाइट डॉट्स, व्हाइट व्हाइट ना डॉट्स, यानी कि नहीं हो जाता है पानी का, व्हाइट व्हाइट चूना चूना पानी का हो जाता है ना, वैसा हो गया है। मैं ना पता नहीं, मेरा कैमरा आई थिंक लाइट ऑन करना पड़ा, आ गया था फ्रेंड्स, इस वजह से बीच में मुझे रोकना पड़ा। तो वो जो डॉट डॉट्स दिखा रही थी ना बाल्टी और मग्गा, उसको भी मेरे को वॉश करना है, बाहर वाले वॉशरूम का है, हस्बैंड मेरे धोते नहीं है, लड़के लोग उतना नहीं ध्यान देते हैं, सभी के घर का है तो वो ना धोते नहीं है, तो उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धोऊंगी, नहीं तो वो और बैठेगा, फिर लगेगा गंदा देखने में। तो एसिड डाल के छोड़ दी थी फूलने के लिए। इसके बाद मैं नहा वहा भी ली, क्योंकि लाइट ऑफ था, लाइट ऑफ में अंधेरे में और कितना क्या काम करूं, तो उसके इसलिए मैं उसको धो ही नहीं हूं, बाद में धोऊंगी। और भगवान जी तो मेरे प्रॉपर जम गए, पूजा भी मैं कर ली, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ऊपर में फ्रेंड्स टॉवल और फूल सब कुछ अच्छे से क्लीन करके, इस बार पहले रेड कपड़ा नीचे बिछा था, इस बार येलो बिछाई हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यही है फ्रेंड्स मेरा छोटा सा मंदिर, जो कि ना कितना ये दिया से ना पूरे यहाँ पे काला काला हो गया था, जैसे कि काजल होता है ना उस टाइप का। तो बोला था ऐसे, मतलब भैया ऐसा बोले थे कि ऐसे आप साफ कर सकते हो, लेकिन मैं कॉलिन से करी, मुझे क्या मालूम कि कॉलिन से साफ ही नहीं होगा। कैसे लग रहे हैं भगवान जी मेरे, बताइएगा फ्रेंड्स। और ये प्लेट मुझसे उतना अच्छे से क्लीन नहीं हुआ, इसमें भी ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहा होगा, तो पीताम्बरी से ना मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कस के रगड़ के ना धो देते हैं, साफ कर देते हैं। तो आगे का ये प्लेट उनसे ना सफाई मतलब करवा लूंगी अब कल। पानी थोड़ा भी रहता है ना तो पीतल में ना दाग आ जाता है काला काला। तो यही है फ्रेंड्स मेरे भगवान जी, अच्छे से जमा दी हूँ और थोड़े से ही भगवान जी रखी हूँ फ्रेंड्स। मुझे ना ज्यादा भरा भरा भगवान जी नहीं पसंद, मतलब
एक जन उनका नाम नहीं याद आ रहा, कहते हैं ना कि भगवान को सीढ़ी की तरह लाइन लगा के नहीं रखना चाहिए, तो बस यही है भगवान जी मेरे गिने चुने, करवा चौथ में यूज होते हैं, विष्णु भगवान जरूरी है, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो, और ये कमल के फूल पे बैठी लक्ष्मी माता है, मैं करती हूँ ना दिसंबर वाला पूजा, उनमें जरूरत लगता है। फिर ये माता जी का भी दिन चल रहा है, फिर ये लक्ष्मी भगवान जी हैं, ये लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अभी चेंज हो जाएगा दिवाली में, और ये मेरे दो ठुक श्री यंत्र हैं, श्री यंत्र और कुबेर यंत्र हैं। फ्रेंड्स मैंने दही जमा ली थी, लाइट गोल था तभी, ये अभी 10 बजे तक दही जम जाएगा, और बाकी जो भी दूध था ना वो मैं गर्म करके अंदर रख दी हूँ, मतलब ये सब कॉर्नर साफ है ये, क्योंकि हस्बैंड 9 दिन फास्ट रहेंगे ना, तो ऊपर में नमक का कुछ भी नहीं रहेगा, बस मैं नीचे जो लास्ट वाला कॉर्नर है ना उसमें ही रखूंगी, थोड़ा बहुत बच जाएगा तो। बाकी अभी अपन फ्रिज में पानी ज्यादा नहीं रख रहे क्योंकि पी नहीं रह रहे हैं पानी। ये रहा फ्रेंड्स फ्रिज में था, ये देखिए सब्जी, मैं बोल रही थी मेरे पास सब्जी है, तो ये पनीर की सब्जी है, और ये है आटा, जा रही हूँ दो रोटी बना के खा लेने। जस्ट मेरे हस्बैंड ना आ गए हैं, और मैं ना बोली बहुत थक गई हूँ सुबह से काम करते करते, तो अभी जाएंगे नहाएंगे, मैं बोली अब बाल्टी भी अपना गंदा रख देते हो, मैं धोई हूँ, एक मिनट लाइट ऑन कर दो। फिर आए गए हैं कपड़ा प्रेस का लाने के लिए, प्रेस का कपड़ा लाने के लिए गए हैं फ्रेंड्स, तो इतने अच्छे से सब कुछ मैं धोई हूँ, बोलते आ रहा हूँ नहाऊंगा ना तो मैं बाल्टी को धो दूंगा, मैं नहीं मत धोने साहब आप मत धोइएगा, मैं धो लूंगी, मंदिर जाना है 8 बजे, अभी 6:30 हो रहा है, तो अब मैं रात में धो दूंगी। मशीन में देखिए कपड़ा भी लगा हुआ है, बस इसको मेरे को निकाल के इधर से उधर डालना है, फटाफट बनाऊंगी दो टुक रोटी, भूख लगी है। फ्रेंड्स वॉशरूम की तरफ आई ना, तो वॉशरूम कैसे क्लीन की हूँ ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ, हल्का हल्का ऊपर ऊपर से क्लीनिंग करते हुए, तो वीडियो में नहीं शेयर की हूँ, लेकिन मैं क्लीनिंग के बाद का दिखा दे रही हूँ, इस टाइप से जो स्टील होता है ना चमकता है तो अच्छा लगता है, ऐसे मैसी मैसी या साबुन गला गला मजा नहीं आता है देख करके, तो बस ये सब जो भी था ना सामान, और कुछ कुछ था जो खत्म हो चुका था वो भी फेंक दी, ये सबको अलग से निकाल करके फिर वॉश करके, और इस स्टैंड को भी अच्छे से धो के, देख सकते हैं इसका स्टील, और ये जो ब्रश रखने वाला होल्डर है इसमें 4 ब्रश तो बिना यूज करने वाला था, फेंकने वाला यानी कि, तो वो उस होल्डर को भी अच्छे से अंदर बाहर से वॉश करी हूँ, सारे टाइल्स को, सारे नल को, नीचे फ्लोर को अच्छे से पूरा वॉश करी हूँ, ये जो साइड में पाइप गया है ये ब्लॉग ऑलरेडी लॉन्ग हो गया है, मैं खाना भी खा ली हूँ, हस्बैंड भी आ गए हैं प्रेस का कपड़ा लेके, तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को एंड करते हैं, आगे का जो भी है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में यहीं से कंटिन्यू कर दूंगी, क्योंकि ना ज्यादा हो रहा है मिनट फ्रेंड्स, इस वजह से इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो मेरी अगर ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आता है कहीं पे एक सेकंड का भी, तो प्लीज मेरे चैनल पे न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।